अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ जाओ, काम भी जरूरी है। काम तो जरूरी है, पर अब देखते हैं ये काम होता कहां पर है। लोकेशन कहाँ दिखा रही है? हाँ यहाँ से लेफ्ट। अरे मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इतना टाइम कहाँ लग गया तुम्हें? यार तुम्हें तो पता है ना मेरे फियांसे का हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है, जहाँ जाती हूँ पीछे चला आता है। और आज तो हद हो गई, तुमसे मिलने के लिए आ रही थी, रास्ते में मिल गया। बड़ी मुश्किल से बहाना दिया उसे मैंने कि मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, तब जाके भी ये छुड़वाया मैंने उससे। यार महक, मैं तो बोल रहा ना तुम उसे सब कुछ बता दो, फिर वो तुमसे रिश्ता तोड़ देगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। यार तुम्हें तो पता है ना हम ये सब क्यों कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए। अगर एक बार उससे शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा, मैं उसे डिवोर्स ले लूंगी, उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ यार प्रॉपर्टी भी तो इम्पोर्टेंट है, मैंने तुम्हें तो पता ही है ना मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, पर कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा। आई एम सो सॉरी, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। अच्छा तो ये कर रही है मेरी पीठ पीछे, धोखा दे रही है मुझे, मेरा शक सही था। शायद तुम्हारा फोन बज रहा है। मेरा नहीं तो ये आवाज शायद तुम्हारे ही बैग से आ रही है। हाँ लेकिन ये किसका फोन है, मेरा फोन तो नहीं है। मेरा फोन है। सचिन तो ये है तुम्हारा ऑफिस और ये है तुम्हारा काम? नहीं नहीं सचिन तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें समझाती हूँ ना। सही बोल रही हो, मैं गलत समझ रहा था, पर अभी तक पर अब ना मैं सब कुछ समझ गया कि तुम क्या कर रही हो मेरे पीठ पीछे, धोखा दे रही हो मुझे। मैं तुम पे शक ना मुझे पहले से ही था शुरुआत से, पर कभी यकीन नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने ये सब प्लान किया, तुमको फॉलो किया और देखो सब कुछ सामने आ जा गया। भाई तू सुन, तू सुन, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, तू मत बोल, मैं उससे बात कर रहा हूँ, शांत रह। सचिन काम डाउन, देखो मुझे पता है तुम्हें अभी बहुत गुस्सा आ रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें भी चल रही होंगी, लेकिन तुम मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हें समझाती हूँ ना क्या चल रहा है यहाँ पे। समझाने का मौका दो तो मुझे क्या समझाओगी अब कि तुम ये सब क्या कर रही थी, नाटक प्यार का शादी का, सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए, ताकि तुम मुझसे शादी करो फिर आराम से डिवोर्स लेके मेरी प्रॉपर्टी हड़प लो और फिर आराम से भाग जाओ उसके साथ, अय्याशी करो, यही ना? सबको सुन लिया मैंने यहाँ खड़ा होकर। सचिन मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, हम दोनों अभी भी सब ठीक कर सकते हैं। तुम इसे गलती बोल रही हो महक, तुमको मालूम है कितना इजी है ये बोलना कि सचिन मुझे तुमसे प्यार नहीं है, इससे प्यार है, लेकिन नहीं तुमने चूज किया कि मुझे धोखा दो, डबल डेट करो। लोग ठीक कहते हैं कि चीटिंग ना कोई गलती नहीं है, इंसान बाय चॉइस करता है, तुमने आज प्रूव कर दिया, तो इसीलिए हमारा जो कुछ भी था ना और जो होने वाला था उसे मैं आज ही खत्म करता हूँ। तुम एंजॉय करो अपने इस आशिक के साथ। सचिन देखो एक बार मेरी बात सुनो, सचिन सचिन मेरी बात तो सुनो।